बसमानी पहले तो मैं ये हमारे आ, बार से ये जो हमारे वकील ने अभी बता, बात की आ, कि यहाँ होना चाहिए आ, आ, हाई कोर्ट फैसलाबाद में मैं बिल्कुल आपसे मुतफिक हूँ हर डिवीजन के अंदर होना चाहिए गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी कि उनकी आवाम के लिए वो सहूलतें पैदा करें उनकी ज़िंदगी आसान करें ये होती है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो मैं तो बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ कि हम डिवॉल्व करें लोगों को दूर दूर जाना ना पड़े घर बैठे बैठे उनको चीज़ें हों जो इन शाह जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम न्याय ले आ रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन सारे हमने अपनी माजी के तजर्बे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप सबको खुशी होगी कि पहली दफा आपके जो शहर है फैसलाबाद मसलन जो शहर है ये कभी भी एक जेन में डाल लें कि एक प्रोविशल डेवलपमेंट फंड से ये कभी शहर ठीक नहीं हो सकता ना लाहौर अगर हम ये समझे कि जो 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 डेवेलपमेंट फंड पंजाब का उसे लाहौर चलाएंगे अगर आप लाहौर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे बाकी पंजाब के इलाके पीछे रह जाएंगे सारी दुनिया के अंदर जो शहर होते हैं जो कामयाब मैं आपको दुनिया के मॉडल्स बता रहा हूं कि लंदन है न्यूयॉर्क है पेरिस है बल्कि तेहरान में मैंने जो जाके देखा और बल्कि अब मुंबई के अंदर भी वही सिस्टम है सब शहरों के अपने अब वो शहर इस तरह चलता है जिस तरह एक मुल्क चल रहा है उसका अपना मेयर होता है इलेक्टेड मेयर होता है जिस तरह लंडन का मेयर इलेक्टेड है उसकी फिर पूरी कैबिनेट होती है तो सारे लंडन के मसले लंडन में हल होते हैं और वो फिर अपने पैसे इकट्ठे करता है अब जैसा शहर शहर पाकिस्तान का अमीर तरीन है लेकिन उसको डिपेंड करना पड़ता है पंजाब से जब गवर्नमेंट से पैसे आएंगे तो तब सड़कें ठीक करेंगी तब हॉस्पिटल बनेंगे तब यूनिवर्सिटी बनेगी ऐसे मॉडर्न सिटीज नहीं चलती तो हमारा जो सिस्टम है कि हर शहर का अपना इलेक्शन होगा मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा कि पहले यूनियन काउंसिल का इलेक्ट हो फिर वो करें उसके अंदर पैसा चल जाता है बदकिस्मती से वो पैसे दे के वो बन जाते हैं वो बड़ा सिस्टम फेल हो चुका है डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का होगा फिर मेयर अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे पानी के एक्सपर्ट्स होंगे उसके अंदर एजुकेशनिस्ट होंगे तो वो शहर एक पूरी तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनेगा और फिर अपने पैसे इकट्ठे करेगा तो उसके लिए यह भी है कि इतने बड़े बड़े शहरों में अपना एक हाई कोर्ट बनना चाहिए ताकि अपने मसले आपके यहाँ हाल हो अच्छा जी मैं अब आपके सामने फैसलाबाद के सामने क्योंकि आप पाकिस्तान का जिस तरह मैनचेस्टर कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मैनचेस्टर कहेगा कि वो फैसलाबाद एक शहर था जो हमारे ऊपर बेस होकर तो हमारे से आगे निकल गया तो आपको तो बस सोचना चाहिए सोच बड़ी इंसान को बड़ी सोच रखनी चाहिए देखें, पहले तो मैं आपको अपनी पॉलिसी बता दूं कि मैं क्या समझता हूं कि मुल्क के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए इस मुल्क को हमने कैसे उठाना है इस वक्त तो हमने ये सोचना ना कि एक पाकिस्तान जिसके ऊपर तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में जो हमें 2018 का पाकिस्तान मिला पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज्यादा कर्जा मुल्क पे अंदरूनी और बैरूनी कभी इतना कर्जा नहीं चढ़ा हुआ था कभी इतने बड़े खसारे नहीं थे जो भी हमाद ने तकरीर में बताया कि जो हमारा ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बीस अरब डॉलर का था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट यानी कि कभी भी कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता कभी भी कोई मुल्क की सेहत अच्छी हो ही नहीं सकती जबकि अगर उसके मुल्क के अंदर जो डॉलर अंदर आ रहे हैं वो कम है और जो मुल्क के बाहर डॉलर जा रहे हैं वो ज्यादा है यानी ये जब तक खसारा है ना उस मुल्क की सेहत कभी ठीक हो सकती है ना जो क्रेडिट एजेंसीज हैं दुनिया की वो कभी भी कहेंगे कि जी मुल्क की रेटिंग अच्छी है वो हमेशा उस मुल्क को कहेंगे कि ये थोड़ी देर के बाद ये क्राइसिस में चला जाएगा और सबसे बड़ा क्राइसिस क्या आता है कि उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है जब खस... जितना बड़ा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट उतना प्रेशर आपकी करेंसी पर पड़ता है और जब करेंसी गिरती है तो क्या होता है महंगाई आ जाती है हमें बड़ा बुरा भला कहा गया जी महंगाई का लेकिन पूछें कि महंगाई के पीछे वजह क्या थी सबसे बड़ी वजह यह कि जो ट्रेड गैप था पाकिस्तान का कि कितनी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स आ रही हैं और पाकिस्तान कितनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है उसमें इस मुल्क की तारीख का वो खसारा था चालीस अरब डॉलर का जो आज तक कभी मुल्क इसके करीब भी नहीं गया जब चालीस अरब डॉलर का ट्रेड गैप हो तो उसमें मुल्क के करेंसी ने तो गिरना ही है और करेंसी को कैसे बचाया हुआ था पहले ही हमारे पास रिजर्व कम थे फॉरन करेंसी रिजर्व वो रिजर्व भी बिल्डअप कर रहे हैं कर्जे लेके कर्जे लेके रिजर्व बिल्डअप कर रहे हैं और वो रिजर्व को खर्च कर रहे हैं रुपए को स्टेबल रखने के लिए और वो जो पैसा तकरीबन मेरे ख्याल में पंद्रह या बीस अरब डॉलर इन्होंने पांच साल में सिर्फ भेंका रुपए को ऊपर रखने के लिए उससे कि आर्टिफिशियली रुपए को ऊपर रखा रिजर्व भी अपने जाया कर दिए और सबसे ज्यादा नुकसान अपनी एक्सपोर्टर्स को और अपनी इंडस्ट्री को पहुंचाया क्योंकि इंपोर्ट सस्ती हो गई एक तो इंडस्ट्री उधर मार खा गई और जब एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई तो एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही थी तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई तो जो हमें पाकिस्तान मिला था वो सबसे मुश्किल हालात में और ये बिल्कुल ठीक कह रहा है असद उमर ने मुझे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों को बता नहीं सकते कि हमारे पास पेमेंट्स देने के पैसे नहीं हैं क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगा तो रुपए के ऊपर रन हो जाएगी यानी रुपए और गिर जाएगा इसलिए हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे थे और हमारे बाहर के दोस्तों ने हमारी उस वक्त मदद की जिस जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट से बच गए और डिफॉल्ट आपको पता है डिफॉल्ट का मतलब ये कि रुपए के ऊपर सीधा प्रेशर रुपए पे जाना था हमारी बाहर ट्रेडिंग रुक जानी थी एक्सपोर्ट्स रुक जानी थी और रुपए ने और मजीद गिर जाना था तो अल्लाह ने हमें उस बड़े मुश्किल वक्त से निकाला और आज जो जिधर हम खड़े हैं मैं सिर्फ आप इससे इससे पहले आपको अपनी फिलासफी बता दू देखिए हम जब बड़े हो रहे थे स्कूलों में थे सिक्सटीज में तो सिक्सटीज में पाकिस्तान एक मिसाल दिया जा रहा था डेवलपमेंट वर्ल्ड के अंदर कि हमारा पाकिस्तान का मॉडल बताया जाता था दुनिया को कि ये देखेंगे पाकिस्तान को देखेंगे कैसे तरक्की कर रहा है मलेशिया साउथ कोरिया जो साउथ कोरिया आज देखें किधर पहुंच गया इन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तान का जो फर्स्ट फाइव ईयर डिवेलपमेंट प्लान था इन्होंने उससे सीखा था और पाकिस्तान कि दुनिया में इज्जत क्यों थी क्यों दुनिया में जब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाता था अमेरिका तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने आता था और पाकिस्तान की एक दुनिया के अंदर एक एक स्टेचर था और वही नहीं हमारे इदारे भी मजबूत थे हमारी जो हॉस्पिटल्स थे हमारी यूनिवर्सिटीज थी उनको रिकग्नाइज दुनिया में किया जाता था और मेरे साथ मलेशिया के शहजादा के जश्न में पड़ते थे मिडल ईस्ट से लोग यहां आया करते थे आज जो दुबई लोग छुट्टियां बनाने जाते हैं दुबई के जो शेख थे वो कराची अपनी छुट्टियां बनाने आते थे तो पाकिस्तान का एक मुकाम था हम कैसे नीचे आए ये बड़ी दुख भरी कहानी है लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि उन दिनों में राइट लेफ, लेफ्ट की पॉलिटिक्स थी उन दिनों में कोल्ड वॉर पीक पे थी पाकिस्तान में एक पूरी लेफ्टिस्ट मूवमेंट चली हुई थी सोशलिज्म सोशलिस्ट मूवमेंट और जब 1970 के अंदर जब लफिकार अली भुट्टो जीते तो उन्होंने सोशलिज्म इस्लामिक सोशलिज्म के नाम पे नेशनलाइजेशन शुरू कर दी जब उन्होंने नेशनलाइजेशन शुरू की तो उस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही थी हमारे बैंक प्राइवेट बैंक्स भी थे यानी पाकिस्तान एक बड़ी ऊपर की ट्रोजेक्ट्री पे जा रहा था लेकिन कहा यह जाता था कि बाईस बाईस खानदानों के अंदर सारी पाकिस्तान की दौलत महदूद हो गई ये बाईस खानदान का पूरा एक चला के पाकिस्तान में थोड़े से लोगों के पास पैसा जमा हो गया होना क्या चाहिए था देखिए हमेशा अपनी जिंदगी का तज्जिया इंसान को करना चाहिए कामयाब इंसान हमेशा अपनी जिंदगी को सोचता है कि मैं क्या बेहतर क्या कर सकता था तो, तो बेहतर हो सके कामयाब इदारे भी यही करते हैं सारा वक्त अपनी एनालिसिस करते हैं कि हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं जब माजी की गलतियों को आप मानते हैं तो आप ऊपर जाते हैं हमने क्या गलती की हमने बजाय इसके कि जो अगर पैसा थोड़े से खानदानों के पास चला गया था तो कानून ऐसे लेके आते कि वो पैसा नीचे चला जाता गरीबों के ऊपर जो चाइना ने किया है चाइना ने जैसे जैसे पिछले तीस साल में इंडस्ट्राइज हुआ और उन्होंने दौलत बढ़ती गई तो उन्होंने वो पैसा इस्तेमाल किया लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए इंसानी तारीख में कभी भी इतने ज्यादा लोग गुर्बत से नहीं निकले तीस साल में जो उन्होंने सत्तर करोड़ लोगों को सत्तर करोड़ लोगों को चाइना ने गुर्बत से निकाला वेल्थ क्रिएट की दौलत बढ़ाई उस दौलत से उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाला हमें भी यही करना चाहिए था हमने नेशनलाइजेशन पे चले गए सारी हमने अपनी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक दी और एक माइंड भी बदल गया कि जिस तरह हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स भी थे कई पॉलिटिशियंस भी ये थे कि कोई अगर ज्यादा पैसा बनाता था तो उसको बुरी चीज समझी जाती जुर्म समझा जाता था कभी भी एक माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब आप प्रॉफिट मेकिंग को मुनाफा कमाने में अगर आप उसको जुर्म कह दें क्योंकि कोई इन्वेस्ट इसलिए तो नहीं करता कि वो खराब देने के लिए इन्वेस्ट तो नहीं करता वो पैसे बनाने के लिए करता लेकिन हाँ जायज तरीके से पैसा बनाए पैसा बनाए टैक्स भी दे प्रोफिटरिंग ना करे ये जो इसको चीनी का जो ये जो चीनी का माफिया है इन्होंने ये जो अभी कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने मिल के कार्टलाइजेशन किया है मोनोपली बना के तो चीनी की कीमत ऊपर लेके गए इसके खिलाफ है आप जायज तरीके से नफा कमाएं गवर्नमेंट आप हम खुश होते हैं क्योंकि जब नफा बनेगा ही तो मजीद और सरमायाकारी होगी तो जो हमारी अब पॉलिसी है मैं आज आपको कह दूं कि हमारी अब पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इंडस, इंडस्ट्रलाइजेशन की तरफ चले पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए गवर्नमेंट का काम आ, इसको फैसिलिटेट करना है, इनके लिए आसानियां पैदा करना है। ये जो भी हम ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें सारा वक्त अब हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है कि कैसे हम अपने बिजनेस कम्युनिटी अपने सरमाकारों के लिए आसानी करें ताकि वो सरमाकारी करें ताकि नौकरियां पैदा हों ताकि हम रोजगार बढ़ाएं और ताकि हम गुर्बत कम करें तो ये जो साइकिल तब होगा जब हम अपनी इंडस्ट्रियल क्लास के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो एक तो वो भी हम कर रहे हैं एफ के अंदर इस वक्त मुसलसल एक रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा है ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये जो बीच में से ये जो ह्यूमन इंट्रैक्शन कम हो ताकि जो रिश्वत ली जाती है और जो हरासमेंट की जाती है वो कम हो तो ये मुसलसल अब हमारी एक जदोजहद चल रही है जो हमने इंसेंटिवस दी अपनी एक्सपोर्टर्स को मुझे बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसका नतीजा आ गया हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं हम एक मुश्किल वक्त में यानी ये जो कोरोना का जो ये पिछले छह महीने गुजरे हैं सारी दुनिया के ऊपर एक मुश्किल तरीन वक्त से दुनिया गुजरी है उससे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान हमने जो फैसले किए इस मुश्किल वक्त में हमने अपने गरीब लोगों को भी बचा लिया यानी बचा लिया बनस्बत बाकी मुल्कों में जो हो रहा है जो हिंदुस्तान में हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में गुर्बत बड़ी तेजी से ऊपर गई है हमने जो फैसले किए उसे हमने अपने गरीब लोगों को भी बचा लिया और उसके अलावा हमने अपनी इंडस्ट्री को बचा लिया एक्सपोर्टर्स को बचा लिया और ये हमारे फैसले इसलिए बेहतर हो गए कि मुसलसल हमने बैलेंस करना था कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाना था दूसरी तरफ अपने मुल्क को भी बचाना था अपनी मीशत को भी बचाना था अपने इंडस्ट्री को भी बचाना था तो ये इसके लिए मैं अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो जो कोरोना की हमारी जो एन बनी हुई थी मुसलसल हमें इन्होंने एक्सपर्ट्स के साथ मुसलसल हमें फीडबैक देते रहे उसके लिए हमारे फैसले अच्छे हुए दूसरी तरफ हम को और इकोनॉमिक टीम को मैं खराज तहसीब पेश करता हूँ कि इन्होंने भी आ, सारा वक्त सोचा कि इंडस्ट्री को नुकसान ना हो कैसे अपने लेबर को भी वो रख सकें और उनके लिए उन्होंने फैसिलिटीज पैसा की पैदा की स्टेट बैंक गवर्नर उसने बड़ा जबरदस्त काम किया मुसलसल कोशिश करते रहे आ, मीटिंग्स हमारी होती रही हम अपने अपनी बिजनेस को अपने लेबर को बचाते गए तो इसलिए आज ये ठीक कहते हैं हम आज के डब्ल्यू एच ओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज पाकिस्तान की मिसाल दी है कि वो चंद मुल्कों में से जिन्होंने सबसे बेहतरीन नेविगेट किया कोरोना के दिनों में वैसे मैं ये जरूर कह दूं कि अभी एक सेकेंड वेव आ रहा है हम देख रहे हैं केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और इसलिए आज हमने ये बाहर छोटी फंक्शन की है और 300 लोगों से ज्यादा फंक्शन नहीं है और मैं जिन जिन्होंने नहीं मास्क पहने हुए मैं सबको कहूंगा कि प्लीज़ ये मास्क पहने क्योंकि ये अल्लाह ने एक दफ़ा हमें बचा लिया है एहतियात करके हम कोई चांस ना लें कि हमारी अगर ये खुदा न खास तेज़ी से अगर ये फैल गई तो और हमारे हॉस्पिटल पे प्रेशर पड़ गया तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगे फिर इकोनॉमी के ऊपर और फिर गुरबत के ऊपर तो अपनी मैं इंडस्ट्री को आखिर में मैं जो आपको आज खास तौर पर यहाँ आया एक तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं जब यहाँ इलेक्शन से पहले आया था तो पावर लूम्स बंद हो रही थी कई फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और वो रियल इस्टेट की तरफ जा रही थी और बड़ा मुश्किल हालात थे फैसलाबाद के तो मुझे बड़ी खुशी थी आज जब मैंने मैंने अपने अपने ये एम और एम से पता चलवाया उन्होंने कहा जी आजकल लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज की कि शुक्र है हमारी रोजगार बढ़ रहा है आ, मुझे एक और भी मीटिंग्स के अंदर बड़ी अच्छी बात आज सजेशन दिया गया और मैं आ, अपने चीफ मिनिस्टर को ये कहूँगा कि हमें अब स्किल्स टेक्सटाइल स्किल्स के लिए इंस्टीट्यूट्स बनानी है ताकि उनको ट्रेनिंग करवाएं क्योंकि आपको वैल्यू एडिंग के लिए भी आपको लेबर चाहिए तो वो लेबर के लिए उसके लिए क्योंकि जो स्किल टेक्सटाइल का अब जो लेबर है जो वर्कर है वो अब उसकी डिमांड बढ़ गई है और वो मिल नहीं रहा तो इसलिए हमें उसको भी करना चाहिए क्योंकि इन हम जैसे जैसे अपनी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और मैं आपकी जिस तरह हम ने भी आपसे सबसे अपील की कि मजीद और आप इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट इस सोच से कर करें और बेफिक्र होकर करें कि ये अब आप आपके पास ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि जिसका काम है आपके मसले हल करना जो ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने आपके लिए एक ऐसा एक स्टेबिलिटी देनी है एक ऐसी प्रडिक्टलिटी देनी है कि आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें आपको यह फिक्र ना हो कि एकदम कोई ऐसी पॉलिसी चेंज होगी जो एकदम आपकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी हमारा काम है आपकी इंडस्ट्री की मदद करना क्योंकि उससे एक आप रोजगार लोगों को देंगे और दूसरा वेल्थ क्रिएट करेंगे मुल्क में जितनी जितनी आप आप दौलत बढ़ती जाएगी मुल्क में आसानी होगी अपने कर्जे वापस करने में हमारे ऊपर एक तो कर्जों का पहाड़ चढ़ा हुआ है और वो तब ही हम उतार सकेंगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और जैसे वेल्थ क्रिएशन होगी पैसा आएगा ही तो हम कर्जे वापस करेंगे तो इसलिए हमारी ये पॉलिसी है कि हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे फैसिलिटेट करेंगे आपके लिए सारियाँ पैदा करेंगे फैसलाबाद वो शहर है जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सिटी है जिसके लिए जिसके लिए इनशाला आप देखते रहेंगे कि अभी सी एम पंजाब से भी बात हो रही थी कि आपके लिए आपकी सड़कों का जो भी हाल है इसको इनशाला इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे कराची हमारा है, उसके लिए हमने बड़ा पैकेज तैयार किया हुआ है क्योंकि ये नहीं कि फैसलाबाद ने मुझे वोट दी और कराची ने मुझे वोट दी इस वजह से नहीं क्योंकि आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हब्स हैं आप ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो इसलिए इसलिए हमारी पूरी कोशिश है आपकी मदद करने के लिए आ, वो और बात है कि आप में माशाल्लाह इतना शौर था कि आपने सही पार्टी को वोट दे दी लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन नाइनटीन सिक्सटीज के बाद ये पहली दफा वो गवर्नमेंट आई है जिसका मेन पॉलिसी इसका फैसला किया हुआ हमने कि हमने पाकिस्तान को इंडस्ट्रलाइज करना है तो जो भी आगे पॉलिसीज़ बनेंगी आपके साथ मुशावरत में बनेंगी हम कॉन्स्टेंटली आपके साथ मशवे मुशावरत इसलिए करेंगे कि आपकी इनपुट आएगी तो हम आपकी रुकावटें दूर करते जाएंगे और फिर अल्लाह का शुक्र है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं हमारी जो इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा शहरों में लोगों को रोजगार देती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है और उसके साथ तीस और इंडस्ट्रीज जो रिलेटेड हैं उनके अंदर काम शुरू हो गया है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह का पैकेज दिया तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके अलावा जो हमने अपने वर्कर्स को अब ट्रेन करना है लेबर को ट्रेन करना है ताकि उन वो भी वैल्यू एडेड हो वो भी मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर तो वो साथ साथ हमारा चलेगा हमने अपने जो बैंकिंग सेक्टर है जो हमने अप, अप, अ, 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 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कभी भी स्टेट बैंक ने इस तरह की अपनी इंडस्ट्री की और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मदद नहीं की जो आज वो कर रहा है वो भी कॉन्स्टेंटली आपको फैसिलिटेट कर रहा है आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए और मैं आखिर में आप सबका शुक्र गुजार हूँ मैं जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं आपको फिर से आखिर में शोर करता हूँ कि हम हमारा अब इंटरेस्ट ये है कि आप जिस तरह एक तो सिक्सटीज में इंडस्ट्रीज को पूरी तरह प्रमोट किया गया था और उसकी वजह से पाकिस्तान आगे निकल गया था सारे खत्े में उसी तरह अब भी हम आपको करेंगे मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपको ये है कि जो आपका लेबर है जो मजदूर हैं उनका साथ साथ जैसे जैसे आपकी हालात बेत, हालत बेहतर होती जाए मजदूरों को आपने नहीं बोलना उनके लिए भी आपने उनकी भी सैलरीज का आपने ध्यान रखना बहुत बहुत शुक्रिया